आज मंगलहाड पुलिस स्टेशन से मुझे दो नोटिस दिए गए। नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आपने दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की है, तो अफसर जुनेद को तकलीफ हो गई और उन्होंने हमें कंप्लेंट दिया 10 दिन पहले, तो हम आपको नोटिस दे रहे, इसका आप जवाब दो नहीं तो हम FIR करेंगे। दूसरी नोटिस, MIM का कोई एक्स कॉरपोरेटर है, समदवासी, उसने 21 दिन पहले मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है। सब्जेक्ट यह है कि दांडिया उत्सव कार्यक्रम में हमने सभी को एक निवेदन किया था कि हमारे हिंदुओं का त्यौहार है, कृपया करके लव जिहाद जैसा कांड वहां पर ना हो, तो गैर हिंदू को वहां पर एंट्री ना दे। तो एक्स MIM का कॉरपोरेटर समदवासी को तकलीफ हो गई, तो उसने 21 दिन पहले मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी। सोचने वाली बात यह है, जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट देता है तो उसके नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद तुरंत नोटिस सर्व करना होता है, लेकिन इन्होंने नोटिस कब सर्व किया कि चुनाव का माहौल है, ऑलरेडी मैंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, ये लोग मुझे नोटिस आज दे रहे हैं। यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हमारे चंद्रशेखर राव है, इनकी ये सोच है कि किसी भी हाल में राजा सिंह को डिस्क्वालीफाई कराए, उसको परेशान करें, उसके कार्यकर्ताओं को परेशान करें, जो आज मेरे कई कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। पुलिस स्टेशनों में बुलाकर मेरे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कई ऐसे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यानी राजा सिंह के साथ नहीं घूमना है और चुनाव के समय पर उसके लिए काम नहीं करना है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री आज भी, इतने दिन हो गए, पूरे तेलंगाना के BRS के कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, केवल गोशामहल से इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि वो MIM ऑफिस से डिक्लेयर होता है, और अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को कोई मर्द कैंडिडेट नहीं मिला गोशामहल विधानसभा से उतारने के लिए जो मेरे खिलाफ, इसलिए अभी तक कोई कैंडिडेट उन्होंने खड़े नहीं किया है। तो यहाँ तेलंगाना की जो पुलिस है वन साइडली मुख्यमंत्री के इशारों पर काम कर रही है, मेरे कार्यकर्ताओं को, मुझे, सभी लोगों को दबाने का प्रयत्न कर रही है, क्योंकि इन्होंने जितने भी सर्वे करवाए हैं, गोशा महल में 50,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है, ये सर्वे में आया है, इसलिए ये लोग घबरा रहे हैं कि किसी भी हाल में राजा सिंह को रोकना है, उसको डराना है, धमकाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा और खास करके असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा, हम डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है, ये बात ध्यान रखना ओवैसी और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भले ही तुम लोग कितना भी क्यों ना जुल्म करो, हम लबर बाल है, रबर बाल, जितना मारोगे उतना ऊपर उठेंगे। गोशा महल में फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरेगा, कोई ताकत इसे रोक नहीं सकेगी। फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी को मैं चैलेंज करता हूं, दम है तो आ जाओ मैदान में, मुसलमानों के वोटों को BRS को ना बेचो, दम है तो तुम चुनाव लड़ो, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई को भेजो, भगा भगा के मारेंगे, चैलेंज है राजा सिंह का।